जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जय गुरु। माय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री वर्धा आज रसा आचार्य देव चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। मोर अध्यक्ष करूवा ऋतिक देवता, ऋतिक देवता मंडली, गुरुभ्राता, मातृमंडली, छोट छोट पिला समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। आज जो दिज भाई भोग प्रदान कर जड़े परीक्षार कृतित्वपे जड़े माँ सुस्थ कामनापी तेनालीर भी पंचमहाजीव निष्ठीपूत हो शांति स्वस्थ निरामय जीवन जापन करूँ। जो उद्देश्य भोग प्रदान कर उद्देश्य सफल हो। उपस्थित समस्त गुरुभ्राता एवं मातृमंडली छोटे छोट पिला समस्त पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो। अनुपस्थित थिबा जो भाई माने माँ माने तांकर भी पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो ता ही परम पितांक निकट में मोर प्रार्थना। जा हो ए विद्यार्थी कथारु गोटे मन पड़े मोर तो निजर गोटे कंप्यूटर इन्यूट अच्छी रायरंगपुर। ये कंप्यूटर इन्यूट भितर प्रत्येक वर्ष मिनिमम 200 उपरे पिला पढ़ती आढ़ा भितर जे बहुत मोबाइल रिपेयरिंग सिखा हुए, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर रिपेयरिंग सिखा हुए, पीजीडीसीए डीसीए कोर्स हुए। यही माध्यम रे मु बहुत गुड़ा स्कूल को भी माने मुख्य वक्ता होना मुझे जो 7 क्लास पर्यटन 10 क्लास पाई गवर्नमेंट जो गुटे देखिए ज्ञान अर्जन आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन से परिप्रेक्षी में गोटे थी 2018 मसीह तो से विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक लोक मानक नहीं से गोटे प्रवचन प्रोग्राम करुले स्कूल मानक तो सही भितर मुझे जिते भी जगह जा गोटे कथा ही कही श्री ठाकुर कथा जे श्री ठाकुर आइडियोलोजी सबुठ सुंदर कहीं सुंदर जे सहीटे पारिवारिक जीवन रु आरंभ कर विद्यार्थी रु आरंभ कर बिजनेस रु आरंभ कर विभिन्न प्रकार एभलिया कौन सी जिनस ना जोटे तार ज्ञान ना से कम्प्लीट गोटे जदि देखा जाए कम्प्लीट गोटे धर्म ताल ओनली श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दे तो से विद्यार्थी मानक गोटे पुराण गोटे अच्छी लेखा अच्छे जे काक चेष्टा बक ध्यान स्वान निद्रा तथे बच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी षष्ठ लक्षण माने गोटे विद्यार्थी छटा लक्षण जदि थाए छा लक्षण से छटा लक्षण जदि थाए ताल सी गोटे सक्सेस विद्यार्थी बोली कहुए शास्त्र कहे ताल से छटा कौन कौन प्रथम रही कुआ भलिया लगातार चेष्टा करिबा माने चेष्टा करिबा स्टूडेंट मानकर प्रथम गुण जे सी पारू पर्यंत पारू बा न पारू चेष्टा करिबा कहा भलिया काको भलिया माने कुआ भलिया जमी आप देखिथे गोटे माठिया रे पानी बहुत तले अच्छी कितु कुआर लक्ष्य अच्छी से पाटा को सी पीब तेणु से गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गुड़ी पकड़ लगला से माठिया पाटा को ऊपर को आसला तापर से पीदेला ताले आप चिंता करूँ जे काक जमी कुआ जमी प्रत्येक जिनस लगिकिना रुहे से भाया विद्यार्थी प्रत्येक मानते विद्या अर्जन से लगिकिना रहा तापर लेखाई कौन बग भाया ध्यान रहा दरकार बग भाया ध्यान मान बग जत पाने रुहे से स्थिर भाव में ठिया है ता गोड़ गुड़ का पाणी थाए आए कौन कै सी उपरे थाए तो ता गोड़ा जमी गोटे हलदिया कलर जे से माछ भावे कौन एटा गोटे काठीटा से जाना से चट मारे से चट मारा बेल को ये पूरा स्थिर होकर थाए बगटा कौन कै झांपिकिना खाईकना नहीं आसे मछटी को तो ताल बग भाया ध्यान रहा दरकार माने से पाठ उपरे ध्यान रहा दरकार एपट सेपट ध्यान न रही से गोटे एकाग्रता तार एकाग्रता कौ दिगरे पाठ दिगरे रहा दरकार तापर तृतीय कौन रही कुकुर भाया निद माने हटात जमी कुकुर को डाकिदे से धड़किना उठी पड़े से बहुत अल्प शुए माने अल्प निद्रा स्टूडेंट मानक गोटे लक्षण होगा दरकार अल्प निद्रा बे ठाकुर विधान अनुसार रही 6-7 घंटा जड़े शुब तो से जो अल्प निद्रा कला बाकी समय कौन कला तार विद्या पाठ उपर से नजर देला ताने कुकुर भाया निद हवा दरकार तापर कौन लिखाई शास्त्र में निज काम मतलब रखा दरकार चतुर्थ पॉइंट रहा निज काम निज जिनस सबूत गोटे लक्ष्य रखा दरकार
तार लक्ष्य कौन जमी परिवार रे विभिन्न प्रकार समस्या थाए आज बापा पाखे पैसा ना विभिन्न प्रकार खाइबार प्रॉब्लम रोचे कौटू चाउल आसो कौटू धान आसो कौटू पर आसो चिंतित रही यही चिंता स्टूडेंट रो नुहे यहाँ हूँ बापा माँ चिंता सी आणिकर तुमको केमती आहार जगेबे सेटा होची तांकर चिंता एही चिंता गुडा माने जो गुडा अजथा चिंता जो गुडा आवश्यकता तुमर नाही सेही चिंता नदे पाठ पढारे सबुबेले निजो मनडा बा कत मतलबटा काई तार सेटा रहिबो। पंचम रे रहिची कम खाद्य खाइबो कम आहार बेसी आहार खाइले कोन हबो निदो हबो जदि निदो बेसी हबो तारे पाठ पढिया पे इच्छा हबोनी सबुबेले अळसुआ आइ जिवो माने देहडा गधरा आइ जिवो तेणु अल्प निद्रा दरकार आउ शेष कम होची घर मह मायारु दूर रहिबे अल्प निद्रा अल्प आहार गृह त्यागी सी होची सक्सेस मेन विद्यार लक्षण से गृह त्यागी माने घर छाड़ा कथा कहानी गृहर प्रत्येक कर्म त्याग करिवार अछि त्याग माने घर रे जहा जहा आवश्यकता जिनस कौन सी बंधु बांधव जीवा बा परिवा पत्र आनिबा सौदा पत्र आनिबा बा विभिन्न प्रकार कार्य रे इनकम करि आनिबा छुआर काम नै इनकम करि आनिबा छुआर काम नै बापांकर काम आउ रुसेई वासे करी माँकर दबा काम एई काम उपरे तार नजर पकाइबो नै माने गृहर जाबतीय कर्म को त्याग करिबा त्याग करी निजे पाठ पढ़िबा ताने एई छोटा जदि गुण थाय शास्त्र कुहे जे से पिलाटी डेवलप करे बा विद्या अर्जन रे सक्सेस हुए। तापरे बापा माँ मानकर गुटे लक्ष्य रहिबा दरकार जे पिला कोउ दिगरे उन्नति करिबो आम बहुत जगार मुझे देखी जे पिलार डाक्तरी पढ़वार इच्छा अच्छी तार क्वालिटी अच्छी डाक्तरी पढ़ापाई इंजीनियर आम पढ़ेदे कार इंजीनियर पढ़वार तार क्वालिटी अच्छी आम जबरदस्ती डाक्तरी पढ़ेदे तो यही जो जबरदस्ती जो बोझ दे दि जाए जो तार इंटरेस्ट ना तार से कैपासीटी ना जो बोझटा दे दि जाए ताफल कौन हुए सी अनसक्सेस हो जाए तेणु बहुत दिगरे बहुत जगार बहुत शास्त्र कहुई पिलार प्रत्येक जिनिष जांच करिबा होची बापा माँकर दायित्व तार ज्ञान केते तार स्मरण शक्ति रहिबा कैपासीटी केते सी कौन पाठ पढ़िले सी आग को गुटे दक्ष हो पारिबो एई जो सबुटी जिनिष बापा माँ ताकु लक्ष्य करिबे तार कैपासीटी ताकु सेमने जानिबे जानिला परे सेई उपरे ताकु जोर दे जदि पाठ पढ़ाटा हुए ताले सक्सेस हुए। आउ गुटे जिनिष कौन जातक जातक कौन करे जे तार भाग्य रे लेखा थाए जदि जातक ठीक थाए तार भाग्य रे लेखा थाए आउ सेई लेखा को जदि आमे इष्टों को धरी बा इष्टों को पथरे आमे ताकु प्रेशर दिया जाए प्रेशर माने ताकु ठेली गंजी किना नुहे ताकु इंटरेस्ट दिया जाए सेई दिगो को ताहाले सेई जिनसटा सक्सेस हुए। आ जदि इंटरेस्ट दिया न जाए धरि नियो तो आपन जातक रे लेखा आइछि इंजीनियर जदि ताकु सेई अनुसार से पाठ न पढिबो सेई अनुसार किछि न करिवो साइकिल दुकान टी करिवो से गवर्नमेंट सर्विस बा गुडे जेई हेई परिबोनी तेणु से जिनस लक्ष्य करना जदि से ट्रिटमेंट कराए तो सीटा सक्सेस हुए जदि से न कराए तो जोटा लेखाई हे कि आप जो इच्छा करेंगे सेटा हो पार नहीं। आउ गोटे सब बड़ जिनस रोचे सब पिला किसी ना कि भल गुण अच्छी भल कैपासीटी अच्छी आम से लक्ष्य करवा निहाती आवश्यकता रही है खाली जे शिक्षा बा ज्ञान अर्जन करदे पिला ता नुहे शिक्षा को छाड़ी आहुरी बहुत किछि रही छि आमे माने आमो पिला मानको मनुष्यत्व को उन्नति करिबा मनुष्यत्व माने मानविकता पिला मानकर मानविकता रहिबा आवश्यकता रही छि ए मानविकताटा बहुत इम्पोर्टेंस रही छि शिक्षार सबुठारु मेरुदंड जड़े विद्यालाभ कला परे आमे बहुत जगार देखीचे जो माने दीक्षित परिवार नुहे बहुत जगार आमे देखीचे हेइ पारे दीक्षित परिवार रे भी सेमाने बापा माँ को छाड़िकिना पलिसंति तार कारण कौन अच्छी खाली ओनली ताकु प्रेशर दिखाई पाठ पढ़वे तार मानविकता को डेभलप कराईना तेणु से मानविकता को डेभलप करने पड़ो तापर कौन करने पड़ो आग को जा निजे केमी गोटे भल मनीष हम तार लक्ष्य करने पड़ो आग को जा निज गोड़े से केमी ढड़ा हे तार दक्षता या पड़ो आग को जा निज माने रिलेशन मानकर निज परिवार वर्ग मानकर केमती ध्यान रखी पारिबो तार भी ताकु ज्ञान देवाई पड़िबो आउ आगो को जाए से निजे केमती खुशी रे रही पारिबो से जहाँ चिंता करथिबो तार पाठ पढ़ा अनुसार से पाई जीवो सेटा भी ताकु लक्ष्य करिया पई पड़िबो आगो को जाए से केमती अन्य लोक मानंकु सहाय्य करिबो निज परिवार छोड़ा अन्य मानंकु केमती सहाय्य करिबो तार भी दक्ष करिया पई पड़िबो जदि सी ए भाया दक्ष हो जाए ताले से उन्नत धरणर गोटे
शिशु सन्तान हे जहाँफल सी दिने ना दिने से बापा माँ सेवा जत्न कर जदि तार मानविकता को जाग्रत न करा जाए खाली पाठ दिगरे खाली दि जाए तो केबे भी ता डेवलप हो पार नहीं कौन करा से जिते बड़े पाठ पढ़ से पाठ को जिते बड़े आग को सी पढ़ापाई चेष्टा कर पाठ पढ़ा भितर देकना ताकु इष्टंकर आवश्यकता रही जिते पर्यंत इष्ट को सी भल न पाइब तांकर कार्य व्रती न हो से पाठ पढ़ारे हो पारे से गोटे कलेक्टर हो पारे किंतु तार चरित्र चलन गोटे भल हो पार ना से तो छोट बेलु छुआ मानू जिते बड़े माँ बापा भोर चारटार उठे छुआ मानू सांगे उठेबे उठे पर नाम ध्यान करेंगे नाम ध्यान में कौन हुए ब्रेन डेवलप हुए छुआ मान स्मरण शक्ति बढ़े तो जिते सी संगे उठेबे संगे उठेला भितर से ध्यान कर नाम ध्यान कर नाम ध्यान कर सारा इष्टभूति देव प्रार्थना कर गुरु गुरुजन प्रणाम कर जी प्रथम गुरु माँ आउ बापा से प्रथम सका प्रणाम कर प्रेयर कर ठाकुर को प्रणाम कर माँ बापा को प्रणाम करपर कौन कर थालुकुड़ी पत्र खाइले कौन हम देह सुस्थ रहीपर सी तार कार्य व्रती हे तार के सुंदर सिस्टम ठाकुर दे दी क्या समस्त ये विद्यार्थी मान के डेवलप हे तार किसी कलना ना के सुंदर भाव में ठाकुर से शिखाई ते गोटे विद्यार्थी जदि डेभलप कै प्रोसेस आज बहुत जगार देखा जाए स्कूल मानक नाम ध्यान करने एकाग्रता आई से शिशि ठाकुर आम मान बहुत दिन आ गए पा निज पर जदि दीक्षित न भी था पाटा मुक्ति आड़ को नहींजीव यार भी प्रमाण अच्छे जदि बापा माँ भी जदि इष्टों पथरे आग्रही नुहे बहुत स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट कहतु इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहतु से निजे से पढ़ा भितर से दीक्षा नहीं जाता बापा माँ दीक्षा नि बहुत जगह देखा सेने सारा घरे ग्रहण करती ना दीक्षा को तो से जड़े शास्त्र जड़े पिलार मु उदाहरण देवी सी हूँ आमर श्रवण कुमार श्रवण कुमार कथा मुझे कह श्रवण कुमार बापा माँ बापा हूँ जड़े साहूकार से बहुत धनी सेटा हूँ दशरथ राजा बापा जिते राजा थे से समय कथा से जिते साहूकार थे पाखे जड़े चाकराणी आसिकना घरे कम करूला तो से साहूकार से चाकराणी प्रति भल पाइबा है भल पाइबा जिते से साहूकार स्त्री दिने देखिले मो स्वामी चाकराणी सहित खराब संपर्क अच्छी जा दशरथ राजा राजा बापा जाकर कहले जिते बड़े कहले मो स्वामी आम घर को कम करने आसुवा गोटे स्त्री सहित सी तार खराब संपर्क रखुच्छी तेणु मत उचित न्याय दिंतु से साहूकार चाकराणी को डाकिले दशरथ राजा बापा जिते बापा डाकिले से समय कौन है विचार होते विचार होचार है दोषी सब्यस्त हो से समय कौन होता जे जी जो खराब कर्म करे ताकु बहुत माने कठिन दंड दि जाऊला तेणु से समय कौन करागला से साहूकार जो चाकराणी जे घरे काम करते सहित संपर्क थिला खराब संपर्क ताकु कौन कले आखि गुड़ाक नष्ट करदे से साहूकार से चाकराणी नष्ट देशर बाहर गोटे जंगल में जाकना गोटे नदी कूल छाड़ीदे आउ सैन्य मान को कहले से नहीं सीटे गोटे कुड़िया बनईकना छाड़ी दि खावा पीबार जिनस तो जिते आखि सब नष्ट हो जाए तो से नदी कूल जंगल में बाघ भालु विभिन्न प्रकार जीवजंतु गहन से रे से आउ कि उपाय पाइले ना जिते किसी उपाय पाइले ना से समय कौन है से श्रीहरि विष्णु जाप कले नाम ध्यान कले जिते जाप कले बहुत जाप करू 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 तांकर दी जणकर गोटे संतान जा थला सेटा ना देले श्रवण कुमार से श्रवण कुमार ये दिन को दिन बड़ हला बड़ ही प्रत्येक दिन से काम करिया गला काम करू करू तार जो बड़ हो गला ताको विवाह कर देले जेते विवाह कर देले तांको स्त्री को कहले श्रवण कुमार तुम्हें मो बापा माँ जत्न नबो तांको देखाशुणा करिबो एवं तांकर प्रत्येक जिनिष तुम्हें बुझाबुझी करिबो काहेकि सेमने तो देखि पारंती नाही तांकर सेवा जत्न नबार तुम दायित्व यही कथाटे कही से प्रत्येक दिन काम करने जाती दिनकर कथा से आउ कम करने जाना श्रवण कुमार जिते कम हठात कम करने जाती सी फेरी पलि आते स्त्री
श्री श्रवण कुमार को एवं तांको बापा माँ को खीरी खाइबापाई देइछंती। जेतेबेले खीरी खाइबापाई देइछंती से समय रे बहुत गरम हेछि, जेतेबेले गरम हेछि तांको बापा माँ तो अंध, सेमने तो ताकु ठंडा करी जल्दी पारु नाहंती। तेणु श्रवण कुमार भाविले जे ए खीरीटा मोर तो मु ठंडा कर दिछि, ताकु मु बापा माँ को देइदेबी। तो तांको बापा माँ को से खीरीटा को देइदेले। जेतेबेले खीरी को देइदेले, खीरी खाइले तांकर बापा माँ, खाइला बेळकु से देखिले जे बहुत सुंदर लागुछि खीरीटा। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ବାପା ମା କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି କ'ଣ କୌଣସି ବାର ତିଥି ଉପାସ ଅଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରିଟା ଲାଗୁଛି? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆଜି ତ ସେମିତି କିଛି ବାର ବ୍ରତ ନାହିଁ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ସେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖଟା ଲାଗୁଛି, ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ତାକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଖଟା ଜିନିଷ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ମାରି ତାର ଲହୁଣୀଟିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଣିଟିକରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀରି ବନେଇକିନା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷଟା ସେ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ବସେଇ ସେ ଚାରିଧାମକୁ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ସରସନ୍ଧାନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସେତେବେଳେ ବିଚାର ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମାତା ପିତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଇଁ ତାର ଧର୍ମ ବଳରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ପୁନର୍ବାର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଦରକାର, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳିଆ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା କେମିତି ହେବେ? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାର ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବାର ବର୍ଷ ମାନେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଭିତରେ ସସ୍ତନୀ ନେବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସସ୍ତନୀ ନେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସସ୍ତନୀ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟି ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ବତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବେଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିଚାଲିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କୁହାଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ସେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିଶି ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଘର ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବସିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ବିଙ୍କିଦା ଏବଂ ସିପାହୀ ଦେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ବା ଯେତେ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ସେତେ ଥର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ତାପରେ ଆଉ କରୁନା, ବା କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛେ, ବାହାରକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛେ, ପ୍ରଣାମ କରି କେବେ ଯାଉନା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଖରାପ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର କେତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା, ଥରେ ତ ସକାଳେ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁର ପରିବାରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତେ ଥର ଯଦି ସେଇଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେ ବସି ବି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆସନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଆସନଟିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବଡ଼ଦା ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କଲିକତା ଯିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତା ଆରଦିନ ସକାଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି କାଜଲଦା ଆସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋ ଭାଇକୁ ତ କାହିଁ ତୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁନି? ସେତେବେଳେ କାଜଲଦା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ନଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଇଏ ତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଆସନଟି ତ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କର। ଏଇ କଥାଟି ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କଥା କହିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ
समस्ते जिते भी बसी थे से समस्ते से भितर गोटे जिनिष शिक्षा लाभ कले जे ये भी कहीं नी आज बापा नहांती धरि नियंतु घरे माँ नहांती आम प्रेयर कलु प्रेयर कर सारापर तक उद्देश्य प्रणाम करवा आवश्यकता रही है यही शिक्षाटा आम से पाई आ गोटे जिनसटा कौन अच्छी जे आम बहुत जगार भी आम देखीचे जे बहुत गुड़ा जिनस जमीती आम देखू जौथ पर धरि नियंतु बापा माँ जौथ पर कौन हुए जो बहुत जन पर मिसिकिना कका मैंने बड़ापा हरिका सब मिसिकिना था समय बापा किसी जिनसटे नहीं आसे माँ कौन कहते जे एटा तू टे लुचे खाई जदि किए देखीदे तेने तेत मागे तो यही जो अभ्यासटा जो नुचे 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 खिया शिखे दि जाए छुआ मान परवर्त मुहूर्त से कौन करती मानने भल पाइबाटा से हिंसा दूरे 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 निए जिते बड़ हमें से बापा माँ पाखु दूरे किना पलि जाती यही शिक्षाटा ये छोट जिनसटार मिले तेल चिंता करूँ यो छोट छोट भूल निजर भूल गुड़ाक जदि आम संशोधन करूँ तेल आम छुआ आम जहाँ करे से जिनसटा रिसीव कै से बहुत जगह देखाई वर्षिकार पिला रिसीव कै जिते तार गोटे वर्ष हुए छुआर तार प्रत्येक जिनस धीरे 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 सी रिसीव कै आग काल कौन थी पर जे परिवार एभलिया थिला जदि गुरु गुरुजन माने बसी थिबे तांको साइड रे जो माने क्रॉस करंती तांकर छोटो पिला माने बा स्त्री लोक माने बा बहु माने तांकर पादर आवाज मधु सुना जाउ नथिला आ आजि गुरु गुरुजन माने ठिया आइथिबे सेटे जे पार हे जतबे मझिरे गळी किना प्रणाम भी करंती नै एभलिया भी देखा जाइछि तने के शिक्षाटा केते जरूरी रहिछि सेति पई त हमे से ठाकुरंकु धरिछे जे सेइति पई तो आमे श्री ठाकुर को धरी प्रत्येक जिनिस नीट एंड क्लीन करछे आ एई जिनिसटा जेतेबेले मनीष तार मानविकता रुहे बा से मानविकता पई से जेतेबेले प्रत्येक जिनिस से मानविकता देखना चले सेतेबेले ही तार प्रत्येक परिवर्तन हुए आ सबुठारो इम्पोर्टेंस होची मातृभक्ति मातृभक्ति अटूट जत सेई छले हे कृतित्व जो पिला माँ प्रति भक्ति नहीं से पिला उन्नति करे नाही यही तो परिप्रेक्षी में गोटे मोर कथा मन पड़े जे शिशी ठाकुर दिने कौन है से माता मनमोहिनी देवी जो बाट देकना गाधोवाई जाती दिने हठात कौन है से जगार मालिक से माता मनमोहिनी देवी को बहुत गाली दे आदि शिशी ठाकुर था जाती कुष्टिया को तो जितेबले माता मनमोहिनी देवी को गाली देती गुरु भाई मैंने शुणी माता मनमोहिनी बहुत कांदुंट संध्या बेले शिशी ठाकुर आसिले जिते बड़े गुरु भाई मैंने कहले से प्रतिज्ञा कले जिते पर्यंत मुझे जगटी को न किणी से पर्यंत मुटी खाइबी तो से दिन ठार् शिशी ठाकुर प्रत्येक दिन से बसी से मटी खाइबापी लगे दुई मस पर से जगार मालिक से जगटी को बिक्री कला शिशी ठाकुर किणिले किणापुर माँ को उपहार दे माने कि भलिया मातृभक्ति माने माँ को पाई से सर्वस्व को त्याग करने राजी थे माने केते भल पाते माँ को प्रत्येक क्षेत्र में से बाणी अच्छी मातृभक्ति अटूट जत से कृतिकृत्य आई जिनसटा प्राय भी देखाई जो पिला माने माँ को प्रति बहुत भक्ति थाए प्रेम थाए से माने ही पिला माने देखिबे प्रत्येक दिगरे डेवलप हुए आ आमे सबू कौन भाव जे पिला मानन को पाई जीवन सारा आमे करू केते बापा माँ कष्ट करी पैसा रोजगार करी केते कष्ट करी के ना तांको पाठ पढ़े बड़ मनीष करती शेष मुहूर्त में कौन हुए जे सेमाने छाड़िकिना पढ़ाती यहीटा सबुठारु दुखद कथा गोटे से कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी दिनकर कथा जे दुई जन बहुत गरीब लोक था से गरीब लोक चिंता करती जे गुरु ग्रहण करी कहीं आमे तो एत चेष्टा कलु आम कौन प्रकार डेभलप कलु ना आम शुणीचु जदि गुरु ग्रहण कराए तो आम डेभलप हम उन्नति हे तेणु सी कौन कले जड़े साधु पाखक गले आश्रम को जाई से प्रणाम कर आम शुणीचु आपड़ जहाँ को आशीर्वाद करती सी सब धनी लोक हो जाऊँच तेणु आम भी से आशार आसचु आपण आमको दीक्षा दिंतु आम भी आप तदन रूप हो गुरुदेव तक दीक्षा दिखती दीक्षा देलापर ताक विधि विधान कहते जे तुम्हें प्रत्येक दिन आसवापी चेष्टा कर ना सप्ताह थे भी आसो आसिले ये आश्रम रे भजन कीर्तन कर बहुत ज्ञान अर्जन हे से भाया करती से दिज भक्त आसती प्रत्येक दिन भजन कीर्तन में सामिल हमें यही भाया करू करूँ देखागला बिजनेस बहुत बढ़ीगला यही भाया देखुद सप्ताह थे आसिले
ମାସରେ ଥରେ ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ କରୁ କରୁ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ମାସରେ ଥରେ ଆସୁ ଆସୁ ତାପରେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖାଗଲା ସେଇଭଳିଆ ତିନି ମାସରେ ଥରେ ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ କରୁ 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 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଆସିଲେ ହିଁ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଦଶ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଦିନେ ସେ ଆଶ୍ରମର ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସାତ ଦିନ ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଖରାପ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ତ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ତାହା ତ ଆମେ ପାଇଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାତ ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଏକା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କେବେ ବି ମିଛ ହେଇଛି କି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ହେଇଛି ତେଣୁ ସାତ ଦିନ ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଦୁଃଖ କରିକିନା ଗଲେ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତଟି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କହିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ମୋର ଗୋଟେ ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସାତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ସନ୍ତାନ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ଜୀବନଦାନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ତ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇକିନା କହିଛି ଛୁଆପିଲା ତିନି ଜଣକୁ ଡାକିକିନା କହିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏ କାନ୍ଦୁ 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 ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ବି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଥାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁମେ ତ ଆଉ 6 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଅ ତ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ତୁମେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ତ ଚାରି ଭାଗ ହବ ମାଆର ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମ ଦି ଭାଇର ଦୁଇଟା ଭାଗ ଆଉ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଭାଗ ଯଦି ସମାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ଲାଗିବ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଗ କରିଦିଅ ତ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଓକିଲକୁ ଡାକ ତାର ଦିନ ଓକିଲକୁ ଡକା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି କମ୍ ବେଶୀ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତାପରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାନ ଝିଅକୁ ଯେ ମା ଲୋ ତୁ ଟିକେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ଜୀବନଦାନ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛି ବାପା ମୋର ତ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖିବ କିଏ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେବ କିଏ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେମିତି ଜୀବନଦାନ ଦେବି ତୁମେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲଣି ତାପରେ ସେ ଆଶାଟା କଟିଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅକୁ ପୁଅରେ ତୁ ଟିକେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୀବନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପିତାର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ସେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବ କିଏ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜୀବନଦାନ ଦେବି ବଡ଼ ପୁଅକୁ କୁହେ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାପା ତୁମେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲ ତୁମର ତ ବୟସ ସରିଯାଇଛି ତୁମେ ମରିଗଲେ କିଛି ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ମୋର ଛୁଆପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିବ କିଏ ଶେଷରେ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତୁମ ପାଇଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ କିଏ ତୁମେ ତୁମକୁ ତ ଏଇ ପୁତ୍ରମାନେ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧନ ପାଇଁ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ମାତ୍ର ଥାଏ ଦୁଇଟା ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଲେ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ସେ ଆର ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା ମୋର ଆଉ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଗରିବ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିଦିଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ନୁଟିକିନା ରଖୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁମେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ହବନି କି
एगुड़ाक थाउ पैसा गुड़ाक तुम क्रियाकर्म एगुड़ाक काम लगे दिजन जाक निराश होती कहते जीवन सारा ये पिलाई एत कष्ट करते कष्ट रोजगार करे ये दुनिया पाखे दुश्मन करे आटि कोटि टा फैक्ट्री गाड़ी घोड़ा सब करे आ देख ला बड़े पुओ जहाँ को आम जन्म करे से कौन आम निजर है दिजन जाक मन दुख कर आश्रम को षठ दिन पहुँची पहुँचिका गुरुदेव को प्रणाम कर प्रणाम कला बेले गुरुदेव कहते अरे तुम तो काली मृत्युवरण अच्छी तुम्हें कहीं आश्रम को आसल तुम परिवारवर्ग सहित रही जाओ से कहले गुरुदेव आम जहाँपाई पगल थू आश्रम को आसवापी आप प्रथम आमको प्रत्येक दिन कही आम यनलोभरे आपण को आश्रम त्याग कर देलु आउ यनलोभरे आम एत पगल हो जाइलु जे यरी नाम जप करवा आम भूली जाइलु आउ जत आमर सात दिन पर मृत्युवरण हम समस्ते शुणिले परिवारवर्ग केही आमको साहाज्य कले नाही तापरे से माने दिजन जत कथा से साधु को कहते सी कहते हो ठीक अच्छे तुम्हें आज रात भजन कीर्तन कर काली तुम्हें पुणी से भजन कीर्तन कर देखा एमती भजन कीर्तन करती तार दिन हो तार दिन जिते तार दिन राति पाई राति पाइला मृत्यु होना जिते मृत्यु होनी से मन भितर गोटे चिंता है काले आज रात बारटा बेले मरीजा कि यही चिंता करू रात भी निद होनी सका से साधु को पचारे गुरुदेव आपण कही सात दिन पर मृत्युवरण हम कि आज तो आठ दिन होगा आम तो मृत्यु होना से साधु जनक कहते तुम भितर जो लोभमय मद माश्चर्य जो भितर बुड़िकिना रही सहीटा तो तुम मृत्यु हो जा तुम्हें मोर आश्रम रही तुम्हें हरिनाम जप कर आ मुक्तिर रास्ता तुम्हें खुली जाइए बोली भावनीय तेणु तो तुम आज पुनर्जन्म हो तुम्हें गत मृत्यु हो सारी आज जोटा अच नूतन जीवन पाइ से दिज जाक बुझीपाई तेणु आम जहाँपाई चेष्टा करे जहाँपाई पगल हो प्रथम हरिंर नाम जप करने सबकि प्रथम पर मुख्य होती श्री श्री ठाकुर तापर आउ सबकि जिते पर्यत मुख्य होना श्री श्री ठाकुर सेत पर्यत उन्नति रास्त आगे आम पक्षे कष्ट हो पड़े आउ जो दिन ठार् आम मुख्य बोली भावु प्रत्येक दिन प्रत्येक कर्म आम जब जनइबु ताल प्रत्येक क्षेत्र में आम आम घर प्राधान्य बोली भावु से दिन ठार् आम आगे जीवु जहा हूँ दुई मिनिट पारे जाती मोर वक्तव्य शेष कर आज ये उपस्थित अनुपस्थित समस्त पारिवारिक जीवन शांति स्वस्थ निरामय जीवन जापन हुए हाँ परम पिता निकट में प्रार्थना करी मोर आज वक्तव्य शेष कर आंतरिक राय और जय गुरु दादा जय गुरु।